जी गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं कामरान अब्बास, मंथली हाई फ्लाइंग पिजन मैगज़ीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में आपका दोस्त, आपका होस्ट। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर में एक बहुत ही अच्छे हमारे दोस्त उस्ताद मियां नज़ीर पार्टी से, उनका ताल्लुक जनाब उस्ताद इदरीस अमान साहब, उनके घर उनके कबूतरों का शौक़ कर रहे थे। जैसा कि कल अली शाह साहब ने कहा था कि जी संडे को कोई अच्छा सा शौक़ करवा दें, तो अली शाह साहब की पुरजोर फरमाइश पे इदरीस अमान साहब से मैंने जो है गुजारिश की, और उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें जो है टाइम दिया आज का। और हम इस वक्त अब आपको शौक करवा रहे हैं उनके शानदार कबूतरों का, जो कि लाहौर की गेम के बहुत बड़े बड़े और बहुत अच्छे कबूतर कहलाते हैं। तमाम तक ये बीड्स जो हैं आप इनको देख सकते हैं, ये अभी उनके जो हैं जूनियर्स आपको दिखा रहे हैं सारे। जूनियर से मुराद के जो पट्टी पट्टे और वो कबूतर हैं सारे। उम्मीद करता हूँ आपको आवाज़ और तस्वीर बहुत अच्छी आ रही होगी। शुएब गिलानी साहब बहावलपुर से हमारे साथ हैं, और नवदीप सिंह साहब भी हमारे साथ हैं, मलक मुबशर साहब, उमर कियानी साहब मीरपुर से और फ्रॉम यूके इस वक्त जो है हमारे साथ हैं, उस्ताद माहिद अली साहब भी हैं, महर वकार साहब, सबको मेरी तरफ से वालेकुम अस्सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने आज के वक्त में जो इतवार को भी हमें टाइम दिया, और जबकि आज का दिन ज़्यादातर लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ मसरूफ़ होते हैं। और इस वक्त उनके तमाम तर कबूतर आपको दिखा रहे हैं। ये जो सेक्शन है ये पट्टों का सेक्शन है कबूतरों का, तो मेल सेक्शन जिसको कहते हैं, मेरा ख्याल है कि यही मेल सेक्शन है कि लग मुझे फीमेल देखने ज़्यादा नहीं। 50 लोग हैं, आप ज़रा खोल के ज़रा लाइव वीडियो चेक करें कैसी आ रही है, रिज़ल्ट चेक करें ज़रा। और इस वक्त उनके ये तमाम तर कबूतर उस्ताद इदरीस अमान साहब हमारे साथ भी हैं इस वक्त, तो निसार साहब भी, निसार खान साहब, आमिर घुमन साहब, इमरान घुमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के प्यार का। उस्ताद मकबूल राणा साहब बहुत शुक्रिया आपके तआवुन का, और राजा साद अली साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उम्मीद करते हैं कि ये शौक़ आपको आज जो करवाएंगे अपनी मिसाल आप एक शौक होगा और आपको पसंद आएगा। ये अभी इदरीस अमान साहब मेरे ख्याल अंदर हैं, वो आते हैं तो फिर उनसे भी ज़रा बातचीत भी करते हैं। आप ज़रा कबूतर देखें। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी, आवाज़ अगर ठीक आ रही है तस्वीर भी ठीक आनी चाहिए जी। मैं अपना फेस भी दिखा दूँ जी, मेरा फेस क्या, मैं क्या तो कबूतर ही देख ले, ये ने मेरा फेस भी देख ले, मैं अभी जरा अंधेरे वाली साइड पर खड़ा हूँ, ये ले ठीक हो गया सर, मेरा चेहरा देख लिया, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो आप लोग इतना प्यार करते हैं हमें और बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग कहते हैं कि अपना चेहरा दिखा दें, तो मतलब मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रिया, लव यू ऑल। दोबारा शौक की तरफ जाते हैं जी। राणा सलमान साहब बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया आपका। अभी ये फीमेल है, अच्छा ये फीमेल सेक्शन है, सॉरी जी। उधर उस्ताद इदरीस सलमान साहब से गुजारिश करूंगा कि अंदर ज़रा हमारे पास आ जाए। अच्छा ये हैं जी उस्ताद इदरीस साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, तो बड़ा बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज हमें वक्त दिया। बहुत से लोगों की फरमाइश थी कि जी संडे को एक अच्छा शौक करवाएं, तो मैंने इसलिए मैंने कहा कि चलें इधर इदरीस भाई के पास चलते हैं, उनके कबूतर देखते हैं। थैंक यू, हमें आपने चुना और मुझे फ़ोन किया, मेरे लिए बड़ा रिगार्ड है। थैंक यू वेरी मच जी। उस्ताद राणा मुन्ना साहब इस वक्त ऑनलाइन है, बहुत शुक्रिया सर आपका। और इस वक्त चैम्पियन जेट फैसलाबाद हैं, हम इस वीडियो के थ्रू आपको कॉन्ग्रेचुलेशन भी कहते हैं। अच्छा इदरीस भाई, तो इस साइड पर आ जाए। सबसे पहली चीज़, आप भी उस्ताद हैं जी, तो कहाँ से सफ़र शुरू हुआ, किसके शागिर्द हुए?
सफ़र तो शुरू हो गया जी मैट्रिक से, जब स्टूडेंट ही थे। उसके बाद फिर आस्ता आस्ता ये बढ़ता गया। फिर हम शगीर्द हुए जी भाटी चौक में, खलीफा अब्दुल कयूम साहब थे जो रफ़ी टायरों वाले की छत पे शो करते थे, उनके शगीर्द हुए। और फिर ये चलता गया और शो की रफ्तार बढ़ती गई और मज़ीद से मज़ीद अच्छे जानवर तलाश करने की कोशिश में हम लगे रहे। और अब आपके सामने उस्तादी कब मिली? उस्तादी मिली जी हमें 2008 में। 2008 में ठीक हो गया, यानी कि 8-9 साल हो गए। हाँ जी, 9 साल हो गए, बिल्कुल ठीक हो। हमारी छत सी मशहूर शीशों वाली सगियाँ पे, ठीक है, ठीक हो। अभी भी वो चल रही है, लेकिन उस पर हम अब नहीं है, वो दूसरे लोग चला रहे हैं। नाम वही शीशों वाले रखा हुआ। सही सही। 3 साल हमने शौक किया और अल्हम्दुलिल्लाह किसी से हारे नहीं हैं वहाँ। अच्छा माशाल्लाह। उस्ताद मियां नज़ीर पार्टी ही शुरू से ज्वाइन की? शुरू से जब शौर आया तो फिर इस तरफ आया। पार्टी वेल डिसिप्लिन पार्टी है, बड़े ज़बरदस्त लोग हैं यहाँ पर, बात सुनने वाले हैं, छोटे से छोटा मसला भी सुनते हैं, तो इसलिए ये अच्छा लगा कि यहाँ ये इसी को ज्वाइन किया। यानी कि ख्यालात का इज़हार करने की आज़ादी है, हर किस्म के बात करने की आज़ादी। ये नहीं है कि उस्ताद को आपने चेयरमैन साहब को मिलना है तो आपको बीच में आपको गेट्स की तरफ से जाना पड़ेगा, प्रॉपर चेन बनानी पड़ेगी। नहीं, डायरेक्ट जाके आपके फ़ोन कर सकते हैं कि उस्ताद जी ये मसला है, वो ये मसला है, हर मसला हल होता है। और मेरे बहुत ही करीबी दोस्त उस्ताद अकील शाह साहब भी हमारे साथ हैं, रात भी हम इनकी तरफ थे, आज जैसे कि आप लोगों ने हमारी लास्ट वीडियो देखी। तो आप इनके साथ कब से आपका ताल्लुक बना है अकील भाई? मेरा पिछले 10-15 साल से अजीज साहब के साथ ताल्लुक है। और अब मैंने काफ़ी तादाद में इनके कबूतर भाटी चौक में, दाता दरबार के बिल्कुल सामने शहर में, जेठ की बाजियों में उड़ाए और लाहौर की नामवर छतों को उधर से जीता इनके कबूतरों से। अच्छा माशा, पूरे लाहौर में मशहूर है, अंदरून शहर लाहौर में किसी ने जेठ में इतनी आला परफॉर्मेंस नहीं दी। यानी 2005 में मैंने तकरीबन 90 घंटे बनाए और चौधरी साहब यानी चौधरी सगी मोहम्मद भट्टी साहब का तो पिछले 15 साल का रिकॉर्ड 7 कबूतरों से, उनका 86 घंटे का था, मेरा 89.28 आवर्स का रिकॉर्ड जो मैंने उधर से तोड़ा अंदरून शहर में से। तो यही कबूतर थे, इन्हीं के साथ हम लड़े और वो रिकॉर्ड तोड़े हमने। तो कौन से कबूतर ज़्यादातर जो है लाहौर में या जो है आप समझते हैं कि आपके एरियाज में उड़ सकते हैं? कबूतर उड़ते हैं ज़्यादा कमगर और टैडी, ठीक होगा। सियालकोटी कबूतरों में उस तरह की परवाज़ हमने लाहौर में नहीं देखी, साइड के शहरों में वो कामयाब हैं। लाहौर में चूँकि टेम्परेचर का फ़र्क है, ह्यूमिडिटी का फ़र्क है, नमी बहुत कम है लाहौर में, इसलिए कबूतर इधर ज़्यादातर वो उड़ता है जो ज़्यादा बुलंदी पे जाता है। सियालकोटी कबूतरों में हमने देखा वो ज़्यादा बुलंदी नहीं पकड़ते, 11-12 बजे 1 बजे तक वो कबूतर वापसी कर देते हैं। अगर वो क्रॉस में टैडी कबूतरों के या कमगर कबूतरों के तो वो फिर परफॉर्मेंस देते हैं, यानी शक्ल उनकी सियालकोटियों वाली अंदर ब्लड उनके कमगर या टैडी, तो वो कबूतर फिर लाहौर में इस तरह वो कामयाब हैं। ठीक हो। तो अंदरून शहर में इन कबूतरों को पक्का करना बहुत मुश्किल बात थी, हमने लोगों को करके दिखाया। पिछले मुसलसल कोई 8-10 साल से उधर से जेठ उड़ा रहे हैं और लाहौर की नामी ग्रामी छतें जिनमें अख्तर इमरान मुगल मुला तारों वाले और बेशुमार ऐसे जी जी इनसे बाजियाँ लगती हैं, मुश्किल लगती हैं और ये कबूतर हमारे इधर उड़ रहे। इसका मतलब है कि ज़्यादातर जो अभी हम देखेंगे वो टैडी और कमगर ब्रीड्स ही हैं। जी ज़्यादातर वो हैं हमारे पास। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी। अब हम शौक की तरफ आते हैं, पहले आपको एक दफ़ा दोबारा से वापस लेके आते हैं जी कबूतरों की तरफ। ये उस्ताद इदरीस अमान साहब की जूनियर फोर्स है सारी, तो अभी वो कोई कबूतर दिखाएंगे तो ये साथ साथ बताते जाइएगा ये किन में से है और क्या। ये हम इसको रेड लेबल कहते हैं जी, कमगर कबूतर है हमारे, रेड लेबल। हाँ जी, इनका नाम डाला हुआ हमने, माशाल्लाह खतरनाक नाम डाला हुआ है। हाँ जी, रेड लेबल नाम डाला हुआ जी, कमगर कबूतरों में से है जी ये, और बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। एक मिनट ऐसे ही रखिएगा, फोकस करने दें उस पर, क्योंकि ये भी कमा करें जी, ये भी कमा करें, ठीक हो।
ठीक है। जी अली शाह साहब, आप काफ़ी देर से हमारा वेट कर रहे थे। बिल्कुल, आपसे वादा किया था तो हम आ गए हैं सर। बहुत अच्छे जी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला। ये देखें जी, अभी हम सिर्फ कमग्गर देख रहे हैं और जूनियर सेक्शन में उस्ताद अजीज समान साहब के पास मौजूद हैं, जैसे कि कल लाइव वीडियो में भी इनसे बात हुई थी। तो ये टेडी साइड आ गई। हाँ जी, काफ़ी दिनों के बाद संडे का शौक करवा रहे हैं, क्योंकि अब ये रमज़ान ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह हर संडे कोशिश करेंगे एक अच्छा शौक आपको करवाते रहें। बिल्कुल, बहुत अच्छे। अच्छा अकील शाह साहब, एक सवाल ज़रा यहाँ पे ना, काफ़ी लोग सवालात बड़े करते हैं। अजी, कमग्गर कबूतर की पहचान की है ये दास दियो। कमग्गर बेसिकली तो लाल आंखों वाले कबूतर हैं, परेल कबूतर हैं, और इनके जिस्मों पे गोश्त कम है। बाकी खिलाड़ी जो हैं वो तो कबूतर को देखते ही बता देते हैं कि ये कमग्गरों में से है, ये गोल्डन। वो ठीक है, वो पता क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं जी ऐसी कमग्गर ले ऐसी कबूतर, मतलब और भी बहुत से शहर हैं हमारे, आपको पता है, जहाँ कबूतर परवरी, अब कुछ जगहों पे अब रुझान उनका शायद लाहौर से भी ज़्यादा हो गया हो सकता है, तो वो लेकिन अभी उनको कुछ चीज़ों का नहीं पता। नए शौकीन कुछ लाहौर में भी ऐसे, वो कहते हैं जी मैंने कमग्गर करके लिए थे, अब कोई देखने आता है वो कहता है नहीं जी ये तो गोल्डन है, या कमग्गर नहीं है, ये जी कसूरी है। क्या कसूरी और कमग्गर कबूतरों में फ़र्क है, और गोल्डन कबूतर और कमग्गर कबूतरों में फ़र्क है? बिल्कुल फ़र्क है। कसूरी कबूतर जो बेसिकली पुराने कबूतर थे, ये सड़े से काले से रंगों में कबूतर थे, गहरी लाल आंखें, काले काली चोंच, सख्ती माइल वो कबूतर थे। इनमें ये कमग्गर कबूतर डले हैं तो वो कबूतर कामयाब हुए हैं। उन्हीं में कबूतरों में, कसूरी कबूतरों में टैडी डले हैं तो वो कबूतर कामयाब हुए हैं। कुछ उनमें नरमियाँ आई हैं, अपना कालक उनकी कम हुई है। जिस तरह सियालकोटी कबूतर आप देखते हैं कि ज़्यादातर अब काली आंखों में मिलते हैं, साफ आंखों में नहीं, या नीली आंखों में वो कबूतर नहीं अवेलेबल। इसी तरह कसूरी कबूतर जो ओरिजिनल थे, ये गहरी आंखों के कबूतर थे, इनकी आंखों में चमक कम थी, लाली ज़्यादा थी। कमग्गर कबूतर डलने की वजह से उन कबूतरों ने रिंग बनाए, परेल हुए, नरमियाँ आई उन कबूतरों में, या बेसिकली आप ये कह लें कि सब्ज़ और नीला रंग उन कबूतरों में ऐड हुआ, वो कबूतर अपनी नरमी की तरफ गए और उन्होंने इंतहाई परवाजें दी। एक और चीज़, नीले कबूतर कमग्गर हो सकते हैं? देखिए, कोई भी कबूतर डिपेंड आप पे करता है, आपके पास एक ब्रीड चली है, आपने उसमें एक नीला कबूतर डाल दिया, वो लाल आंखों वाला निकला है, अब आपकी मर्जी है आप उसको। नहीं, जैसे आजकल नीले कमग्गर एक बने हुए हैं, देखिए ये ब्रांड है, जिसका एक, हमने ये रेड लेबल बनाया है, तो बेसिकली कमग्गर कबूतर। लेकिन एक एक हमारे उस्ताद थे, बुज़ुर्ग उस्ताद, उनसे एक दफ़ा बात हुई तो उन्होंने कहा जी जैसे आज टैडी हैं तो आज से 20-22 साल के बाद कोई कहते जी नीले टैडी हैं, नहीं उन्होंने कहा ये इसी तरह से कमग्गर ऐसे ही बने गए हैं, नीले नीले कमग्गर कबूतर शुरू से नीले नहीं थे कमग्गर कबूतर, बिल्कुल नहीं थे। ये अब ये याद है, बात वही है कि आपने कोई एक कलर ऐड कर लिया, आपको फेवरेट है, आपको पसंद है वो कलर, आपने आंखें वही रखी हैं, कलर चेंज कर लिया, हर बंदे ने अपना नाम एक ब्रांड, अपना एक ब्रांड दे दिया है उसको। बेसिकली कमग्गर कबूतर लाल आंखों वाले छापदार सबज गर्दनों वाले कबूतर हैं। सही, तो ये जो अब कबूतर फिर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में हैं सारे लाल आंखों, बिल्कुल ये ऐसे ही है कि शेखुपुरी कबूतर एक दौर में बड़े अच्छे उड़े, जिनको आजकल लोग गोल्डन कहते हैं, गोल्डनों के पीछे मेन कबूतर वो शेखुपुरी कबूतर। सही, ये लंबे परों के कबूतर थे, गोल्डन शक्ल में ही थे, परेल कबूतर थे और इंतहा उड़ते थे। वो कबूतर फिर जैसे ही कसूरी कबूतरों में लगे, उनमें नरमी आई, रिंग बने आंखों में, उनकी आंखें शफाफ हुई, उन कबूतरों की परवाजें बढ़ती गई। जिस तरह सियालकोटियों की कबूतरों की आंखें अब चेंज हुई हैं टैडियों के साथ लग के या कमग्गरों के साथ, उनकी आंखों में कालक कम हो गई, रोशनी ज्यादा आ गई, चमक ज्यादा आ गई। अक्सर सियालकोटी कबूतर को लोग टैडी समझ बैठते हैं, ऐसे ये हालात हो गए। बिल्कुल है, इस तरह बिल्कुल ठीक हो गया। इदरीस भाई, ये कबूतर दिखाएं जी। अच्छा, ये टैडी पट्टी है जी, पट्टी घर की है जी, घर की है। ये देखिए नाज़रीन, 98 लोग हमें देख रहे हैं और लाइक्स जो हैं ज़रा मुझे कम लग रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि वीडियो को बंद ही कर दिया जाए, आप लोग अगर नई शौक को पसंद कर रहे थे। और अकील भाई बड़ी मुश्किल से हत्ते चढ़े हैं, तो इन्फॉर्मेटिव बातें भी साथ साथ मिल रही हैं, तो वो भी लेते जाएँ आप।
ये देखें जी, माशा वो दोबारा फोकस करेगा, एक दफ़ा कर चुका है ये। ज़रूर। अच्छा टैडी कबूतरों में लाल रिंग आता है अंदरीज भाई? हाँ जी काफ़ी अच्छे हैं जी, हमारे पास तो जो है उसमें लाल रिंग आता है और वही उठते हैं भजन। अच्छा, जो बिल्कुल फ्लैट आंखों वाले जिसको कह लें आप, वाइट आंखों वाले, वो भजन नहीं काम करते हमारे पास। सुनी कि ये बाकी दुनिया का कोई पता नहीं है। मैं अली कुरैशी साहब, देखें जी एक और कबूतर। ये दोनों हैं। अब हम उस साइड पर चले। हाँ जी, वो क्योंकि उसके बाद हमने सीनियर्स भी ठीक है। ठीक है, जबरदस्त। देखिए ये सेक्शन फीमेल्स का था आपको दिखाया, अभी आपको मेल सेक्शन की तरफ लेके चलते हैं। और लाहौर में धूप और गर्मी का एहसास मुझे ही हो सकता है, आपको शायद ना हो। अच्छा जी, ये पहले तो ये सियालकोट की कबूतर बैठा हुआ है, इसके ये कबूतर ये दिखाए। बिन खमीस, थैंक यू वेरी मच बिन खमीस। थैंक यू। ले जी मैं आ गया हूँ सामने, बहुत से लोग कह रहे थे कि जी आप सामने नहीं आ रहे, तो इस वक्त मैं सामने आ चुका हूँ। और आपको ये कबूतर दिखाते हैं जी, एक बटेरा कबूतर। बटेरा ही है ना जी? जी बटेरा। वो जगह खुद हो गए, ये लाइव वीडियो में फोकस खुद करते हो तो आप यहाँ से अपनी मर्जी से ज़रा बेहतर कबूतर जो आपको लगते हैं वो पकड़ें। एक भाई ने हमें अभी कहा था कि जी कोई अली वाला कबूतर दिखा दें, तो अली वाला कबूतर अब बाद में दिखाते हैं जी, आपको ये बटेरे दिखा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि चलें इब्तदा आपकी कर दें, आप भी हमारे से शौक कर रहे हैं। तो अब आपको दोबारा से कमदर कबूतरों की तरफ लेके चलते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच हारून मिनाज साहब, आप बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत मज़ा आता है आपके साथ। और उस्ताद मियां मुस्तजाब मोशी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, थैंक यू वेरी मच। अली कुरैशी साहब बिल्कुल मुझे मालूम हो गया आपका नाम, बहुत शुक्रिया आपका। आप मुस्तकिल अपने नाम का कमेंट कर रहे हैं, मैंने आपका नाम दोहरा दिया सर, थैंक यू वेरी मच। आप एसी वाले रूम में बैठे हैं आमिर गुम्मन साहब, मर्जी है आपकी फिर है। ये नहीं भाई को कह रहे कि आप भी आ जाएं, हम गर्मी में खड़े हुए हैं इस वक्त। और बहुत शुक्रगुजार हैं उस्ताद इदरीस अमान साहब के, जिन्होंने हमें इस गर्मी में वक्त दिया और अपने कबूतर हमें दिखा रहे हैं। और आप लोग भी उम्मीद करते हैं कि इन कबूतरों को देख रहे होंगे, आपको ये कबूतर ये पसंद आएंगे। और सब देखें ये आ रहे हैं, आपको क्लियर आ रहे हैं। अच्छा ये इदरीस भाई सारी एक ही ब्रीड है? ये मेरे पास दो ब्रीड हैं जी, एक मगर है जी। अच्छा, बाकी डैडी हैं और कुछ मेरे पास भोजपुरी हैं। नहीं बेस मतलब आप बेस एक ही है, सेम ही है, सेम ही है, उसी बेस में। हाँ, यानी कि ये नहीं है कि चार पांच छह ब्लड लगा रहे हैं। ये टैडी आ गई आपको? हाँ जी नहीं जी, टैडी कबूतर देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि टैडी भी आप पसंद आएंगे। इनके जो वो टैडी 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 चपेड़े भी करा रहे हैं, ढाई बजी मैंने माशा, क्या बात, बहुत ज़बरदस्त, बहुत याला। ये देखें आप, ये देखें कि इसका फ्लैप है कितना बड़ा, ये पूरा फ्लैप है इसका। हर बंदे का अपना अपना एक अंदाज होता है, बहुत से लोगों को कहते जी पर कुछ ज़्यादा ना खोलें, कुछ लोग कहते हैं ज़्यादा खोलें। तो मैं इस वक्त जब भी शौक करवाता हूँ मैं आप तमाम लोगों का जो है ख्याल रखता हूँ, उसको भी करेगा क्योंकि फाका है ना। वाह वाह। अच्छा इदरीस भाई, इसके बाद थोड़े से कुछ ना सलारे भी कबूतर नज़र आते हैं ना, सलारे टाइप, वो भी दिखाइएगा क्योंकि वो बड़ी डिमांड आती है जी। कभी सलारे टैडी कबूतर दिखाया करें जी, सलारे टैडी जरूर दिखाया करें।
आपको मैंने दिखाया था, इसका बड़ा बाहर है। ले जी देखिए इसकी, और शौक पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, पसंद कीजिएगा। राना उमर साहब बहुत शुक्रिया। हाँ जी बिल्कुल, कबूतर से बचेंगे जी, अब जो लगनी थी वो लग गई, अब कोशिश करूँगा। पानी पियो। लोगों का पसंदीदा रंग है आजकल। हो गया बहुत शुक्रिया अली जा साहब। ओरिजिनल सलारे का शौक करवाए हैं। अच्छा, तो करवाते हैं जी, अभी चलते हैं अंदर, अब अंदर ही चलते हैं। मेरा ख्याल जूनियर मुझे फोर्स बहुत है, तो जो सीनियर का जो मज़ा है ना वो कभी कभी आता है, तो जहाँ आता हो वहाँ पे पूरा उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए। अच्छे कबूतर देखने चाहिए, अच्छे कबूतर देखेंगे तभी अच्छे कबूतर बना पाएंगे। ये वाला, ये एक छोटा बच्चा भी आपको दिखाते हैं कि कबूतर देखे नहीं नहीं बचने दे रहे आप, कोई ना कोई एक आदमी चपेड़ करी मार देते हैं। तो ये एक छोटा बच्चा भी दिखाते हैं जी, ये भी सलारे कबूतरों में से है। क्लियर लाइट पड़नी चाहिए, आ रही है। बहुत शुक्रिया आमिर गुमन साहब, जैसे आप एसी में बैठे हैं ना, आपके कमेंट्स जो हैं वो हमारे अंदर वैसे ही ठंडक डाल रहे हैं इसमें। तो अभी यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, कबूतर जरा अथरे हैं। इस बट साहब से भी कहूँगा कि ध्यान से आए, पता नहीं केड़ा है, समझे थोड़े बट ने लाहौर भरिया है। उस्ताद अकील शाह साहब हमारे साथ हैं, इस वक्त अब जरा मैं खुल डुल के अकेला आ रहा हूँ, जरा हैवी हो गया बारे। तो उस्ताद अकील शाह साहब एक कबूतर दिखा रहे हैं जी हमें, ये कौन सा कबूतर है? अच्छा, इसके बच्चे मेरे पास अंदरून शहर में। जी जी, आप शहर से बाहर समझ रहने वाले लोग तो समझ लेंगे, दाता दरबार के बिल्कुल ऑपोजिट है छत हमारी, बिल्कुल उधर मेरे पास बाजियों में जेठ में उड़े, बहुत अच्छा इस कबूतर ने रिजल्ट दिया, और दो तीन और छतों पे छोड़े उधर बड़ा कमाल रिजल्ट दिया, लेकिन बेहतरीन रिजल्ट इनका अंदरून शहर में आया, अक्ल और सियान में उड़ान में बेहतरीन कबूतर ये रहे। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे आया, वो मैं आपसे करूँगा नहीं और ना ही मैं चाहूँगा कि आप उसका जवाब दें, क्योंकि कॉन्ट्रोवर्शियल बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन चूंकि वो सवाल कर रहे हैं तो मैं उनको कहूँगा कि ये जो बातें हैं ये कुछ पर्सनल होती हैं, और जो आपके शहर की पर्सनल बातें उनको पर्सनल रखें, आपस में ही उनको जो है क्लियर करें और आपस में एक दूसरे से पूछें। इनसे इस वक्त वो उनका सवाल है कि जी आपने रियाज पार्टी क्यों छोड़ी, तो अब ये बहरहाल, लेकिन ये एक मैटर जो है ये पार्टीज़ का आपस का मैटर है, तो ये पार्टीज़ को आपस में ही सुलझाने दें। इस वक्त आप शौक करें और ये देखें कि ये कबूतर कैसे, हमारा मकसद इस वक्त एक अच्छा शौक करवाना है ताकि लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन हम दे सकें। एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, उस्ताद अदरी सवान साहब और उस्ताद अकील शाह साहब लाहौर का एक नाम है और इस वक्त मौजूद हैं। अगर कोई सवाल करना है तो कोई इस तरह का करें कि कबूतर कैसे होने चाहिए, क्या पहचान है, या किसी बीमारी के मुतालिक कोई नुस्खा या कोई भी चीज़ आपने पूछनी हो, बिला झिझक इस कमेंट में आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन ज़रा सियासत से हटें। थैंक यू वेरी मच। नहीं जी, ये दूसरा कबूतर ये सलार। अच्छा, ये तमाम कबूतर उस्ताद अकील शाह साहब बता रहे हैं कि उनके एरिया में जो है अपना अपना एक रिजल्ट दिखा चुके हैं। बिल्कुल, बहुत आउट क्लास उड़े हैं ये अंदरून शहर के अंदर और काफ़ी नामी ग्रामी बाजियों में उड़े। सही, ये मतलब अंदरून शहर से मुराद होगी कि आप धुआं भी कह लें, धूप भी कह लें, और कम से कम 5 से 7 डिग्री टेम्परेचर का फर्क ओवरऑल लाहौर, और 2-250 छत, 2-250 मामूली बात, चिड़ी मारी और ये वो हर चीज बिल्कुल ऐसे ही है। नजदीक पंजा क्लियर आना चाहिए। ठीक है,
उमर अफजल साहब, अली कुरैशी साहब ने भी 40 दफ़ा अपना नाम लिख के भेजा, थैंक यू वेरी मच अली भाई। तो अच्छा, ये सब आपके टैडी ही कहलाएंगे जी? ये भी टैडी? ये भी टैडी कबूतर है हमारे। ये देखें जी, मुख्तलिफ आँखें आती जा रही हैं सामने। अभी सलारा कबूतर था, उसकी और आँख थी, ये अभी एक और कबूतर है, इसकी और आँख है। तो इनके कोई नाम शाम हैं तो वो इदरीस भाई बताते हैं। नंबर हैं, नंबर लगाएंगे, नंबर लगाते हैं हम लोग ब्रीड वाइज। उनके नंबर हैं, जो माँ बाप के नंबर हैं वो आगे से 1, 2, 3 के हिसाब से आगे बच्चों में चलता है। ये 10 नंबर। अच्छा ये अकील भाई, ये जो कांप रहा है, ये इसके पॉजिटिव पॉइंट कहलाएगा? पॉजिटिव पॉइंट है इसका, एग्रेशन है इसका, एग्रेशन है इसमें, फील कर रहा है आपको, माहौल को फील करता है। आम हालात में ऐसे नहीं होगा। सही। अच्छा, सेंसिटिव आप इसको कह लें। बिल्कुल ठीक। अकील शाह साहब से सेठ वाले टैडियों के मुतालिक उनका एक्सपीरियंस पूछा। सेठ वाले टैडी कबूतर आज तक रखे नहीं, लोगों के पास देखे, बड़े बड़े अच्छे कबूतर, कद्दावर लंबी चोंचों वाले बड़े खूबसूरत कबूतर, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज रिसेंटली 10 दिन पहले पता चला जी एक शहर में वो काफ़ी उड़े, लेकिन लाहौर में आज तक हमने नहीं देखा। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल उस्ताद मुल्ला तारावाला साहब ने दी हमें कि मैंने तादाद में 100-150 वो छोड़ा और एक भी कबूतर उनमें से इस तरह का नहीं निकला जिसने लाहौर में 10 बजाए हों। अच्छा, एक मज़े की बात पूछूं, सेठ वाले कबूतरों में मैरों वाले कबूतरों का पार नहीं? बिल्कुल है। और दूसरी चीज़ ये कि एक कबूतर जब हम लेते हैं तो उसमें कुछ निशानियाँ देखते हैं। बिल्कुल, वो उनमें पूरी होती हैं वो निशानियाँ। ब्लड भी अच्छा है उनमें, कोई ना कोई इस तरह का कबूतर है जिसका उड़ने से कोई ताल्लुक नहीं है। वो ब्लड उनके अंदर जो है वो उनको मजबूर करता है ना उड़ने पे। यानी फैंसी कोई ना कोई ऐसा कबूतर का ब्लड उसके अंदर है जो उसको मजबूर करता है कि उन्होंने नहीं उड़ना। लेकिन मेरा कलर उन्होंने टैडियों वाला सारा बना लिया हुआ है, लेकिन उड़ते हुए लाहौर में मैंने आज तक किसी के पास नहीं सुना कि कोई सेठ वाला कबूतर उड़ा हो। सही। बाकी ये है कि ब्रीडर जो लोग हैं वही चौंचे वही शक्ल बना के अपने उड़ने वाले कबूतरों में उनको ऐड कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, ब्लड चेंज करें। टैडी और फिरोजपुरी का क्रॉस है जी। वाह जी वाह, माशाल्लाह। आग देखें इसकी, ज़रा इसके जर्रे आ रहे हैं, ज़रा चेक कीजिएगा, ठीक आ रहे? अच्छा सॉरी, अच्छा सेठ वाले भी तो एक तरह के नहीं रह गए ना? बिल्कुल डिफरेंट कलर हैं उसमें, किसी के छाप वाले हैं, किसी के कल सिरे कल दुमे हैं, बिल्कुल दोस्त की आंखों में है। तो बेसिकली उनके पीछे जीरे कबूतर बहुत नुमाया है, काले जीरे कबूतर बहुत ज्यादा जो है उनको वो बना रहे हैं ये कलर। ये फिरोजपुरी से और ये साथ ही इसका जो है हम आपको बेटा दिखा रहे हैं, पहले बाप दिखाया था, अब जो मेरे हाथ में है ये इसका बेटा है, शक्ल में बाप ही लगता है। ये जरा गंदा बच्चा है जी, इसने नाखून नहीं काटे हुए, इसके नाखून बड़े हुए हैं। इसकी आंख नहीं प्रॉपर खुल रही ना इधर वाली, हाँ जी ये वाली ठीक है, ये लें जी ये आंख देखें।
वालेकुम अस्सलाम जनाब उस्ताद उस्मान जलाल भट्ट साहब। अच्छा जी, साउथ अफ्रीका से कौन है जी? खान जलाल साहब। सालार वर्दक जनाब मनान साहब, कैसे हैं सालार वर्दक भाई? ये कमगर ओरिजिनल कलर है। ठीक हो गया जी। उस्ताद अकील शाह साहब से मैंने सवाल किया था, जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि कमगर कबूतर का कलर कैसा होता है, तो वो कह रहे हैं कि ये देखें कि ये ओरिजिनल कलर का कमगर कबूतर है। जिनको अगर आप कमगर कहें तो कोई कबाहत नहीं है, ये असल कबूतर है, बिल्कुल ऑथेंटिक कबूतर है। अभी आपको इसका कलर भी शो करता हूँ, पहले आप इसको प्रॉपरली देख लें। वाह वाह वाह, ये ताज़ा ताज़ा ही कोई काम लगा। हाँ जी, पकड़ते हैं, खून निकल गया पूरा। और ये देखें इस वक्त ये हाथ में आके ऐसा हो गया जैसे साला बीमार है। ये लें जी कलर दिखा दें, ये देखें जी बहुत बुरा मार है। इसकी एज कितनी है तकरीबन? ये 5 साल। कलर क्लियर है? ये इसका छोटा भाई है। ये देखें जी, ये कलर होता है कमगर कबूतर का। ठीक हो गया जी। उस्ताद अकील शाह साहब ने आपने सवाल किया था, लोगों ने तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने ये जवाब दिया। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, सलार भाई बिल्कुल फिट, और उस्मान जलाल भट्ट साहब कह रहे हैं कि अकील शाह साहब को मेरा सलाम दें। और एक वालेकुम अस्सलाम जनाब उस्मान जलाल भट्ट साहब, और दूसरा काम वो खुद करेंगे, वो लिख रहे हैं जी एक पप्पी। थैंक यू। इसका भाई है? अच्छा, इसी का भाई? इसी का भाई है। हेलो, जरा फिर लाइक शेयर कर दें उस्मान जलाल भट्ट साहब, थोड़े से हमें भी अंदाजा हो कि शौक पसंद आ रहा है लोगों को कि नहीं आ रहा। ये देखें बहुत ज़बरदस्त उस्ताद अदरीस समान साहब जो हैं, छुपे रुस्तम निकले हैं माशाल्लाह। 106 लोग इस वक्त हो चुके हैं हमारे, क्या बात है। बहुत शुक्रिया आप लोगों के प्यार का, और जैसा शौक है इस शौक में इतने ही लोग जो हैं बनते हैं, कि इतने लोग होने चाहिए। ये सारा जी कमगर ब्लड चलता आ रहा है, देखें जी एक से एक आपको नज़र आएगा। अच्छा, वो जो हम अभी बात कर रहे थे ना एक कबूतरों की, यहाँ पे उनमें ना ये कलर था, जिनमें ये कलर था उनका रिजल्ट बहुत ज्यादा था। ऐसे ही है, ये कबूतर है सॉफ्ट, बेसिकली कमगर कबूतर जो है बहुत सॉफ्ट कबूतर है। आपके हाथ में आएंगे तो जिस तरह रुई इकट्ठी हो जाती है इस तरह इकट्ठे हो जाते हैं। आपको इनमें फालतू गोश्त नहीं नजर आएगा, कोई ऐसी चीज नहीं इनमें नजर आएगी कि जो इनको उड़ान से रोकती हो। ज्यादा क्रॉसेज में लोग इनको इसीलिए डालते हैं कि ये कबूतरों का वेट नहीं बनाते। बिल्कुल सही, उड़ने वाला वेट बनेगा, पहलवान कबूतर नहीं निकलेंगे, स्ट्रक्चर में रहेंगे, स्ट्रक्चर में अपने पूरे अपने, जिस तरह एक बिल्डर को आप देख लें ऊपर से चौड़े और पीछे से बिल्कुल स्मार्ट एथलीट की तरह ये कबूतर है। यानी कि ये इनका मकसद ही उड़ना है, इनका मकसद ही उड़ना है, बने ही उड़ने के। बहुत थोड़ा इन्होंने दाना खाना है, ये नहीं होना कि इतने इतने पोर्ट किए हुए हैं आगे से चौड़े मोटे वजनी हो गए हैं कबूतर, बड़े नाजुक शर्मीले, आपने इनको जरा छेड़ दिया तो इन्होंने दाने के पास नहीं आना। क्या नहीं, खुद ही चला जाएगा अगर यूं करेंगे तो, ऊपर आ गया ना तो वीडियो हो जाएगी डिस्टर्ब। बाबर मुफ्ती साहब, चीने टैडी दिखाएं सर, सारे दिखाते हैं, अभी जो जो होगा वही दिखाएंगे, जो नहीं होगा वो कहाँ से लेके आऊं इस वक्त। अभी आप कमगर कबूतर देखें, लें जी लो जी, आपके कहने पे अब आने लगा जी एक कबूतर। वाह वाह, छोटी दुमे मुनासिब बदन, बिल्कुल
हर चीज़ बैलेंस में। अच्छा, ये जो दुम का भी बड़ा है, कुछ लोग, अब मैं आपको बताऊं, मैं अगर किसी की दुम देखता हूं कुछ ना, तो अब कुछ लोग मुझे कहते हैं जी जेड़े लुंडे होते हैं वो भी तो उठते हैं। नहीं देखें, लुंडा करके आप उसकी एक चीज़ को कम करते हैं। बेसिकली होता ये है जेठ की परवाज़ों में, आम मौसम में तो कबूतर उड़ जाता है, जेठ की परवाज़ों में हमने देखा है कि ऊपर से जिसकी दुम लंबी है वो आ रहा है तो अनबैलेंस हुआ है या उससे अपना आप नहीं संभाला गया, यानी एक्स्ट्रा बर्डन है उस कबूतर के ऊपर जो उसने साथ लेके जाना है और लेके आना है। इसलिए नॉर्मल जो दुमे हैं इनके कबूतरों के हमने बैलेंस देखे हैं, बहुत शानदार आते हैं, कभी इनको नहीं देखा कि लंबी परवाज करके आएंगे डोलेंगे। बिल्कुल सही। ये देखें जी, बिल्कुल कैंची जैसे। अच्छा जी, ये मशहूर कबूतर जी मझ वाले, ये बेसिकली किसके घर की ब्रीड है? मैरों के घर की। हेलो हेलो मझ वाले नहीं, जो अभी दिखाते बस वो है ना मझ वालों में से, ये सारे कमगर हैं बाकी मझ वालों के पट्टियां पट्टे क्रॉस सारों में। अच्छा, क्लियर हुई आप? बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला अदरीस भाई ने लगता काफ़ी मेहनत के साथ पकड़े हैं सारे। हाँ जी है ना, जो कबूतरों का हाल कर किया हुआ है ना इस वक्त, ये भजन पकड़े नहीं जाते, ऊपर से नीचे नहीं उतरते, कमरे में कोई आ जाए ना दूसरा बंदा। हाँ, ये जी सबस गले वाले, एक ये भी बिल्डर वाले, ये लें जी सबस गले वाले कबूतर, इनकी ब्रीड है कोई, ये देख लें, ये इनके गलों पे सब्जी माइल जो है, और यहाँ पे तो जाम नहीं आ रही यार, हरी साइड दिखाओ अब भाई आ गई, ये सबस गले वाले, पहले सारी सब्जी आ ही नहीं रही थी, मैं तो देख रहा हूँ, मैंने कहा जाम नहीं आ गया सर। असल में ये शेड्स होते हैं, उस्ताद हसन इमाम साहब जी, अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, उस्ताद हसन इमाम नकवी साहब भी इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं जी, बहुत शुक्रिया। इतवार के शौक में अक्सर आप आते हैं और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि इतवार को एक अच्छे से अच्छा शौक हर दफ़ा आपको करवाएं, क्योंकि हैप्पी संडे हमने बनाना होता है। टेस्ट एकदम चेंज, वापस टैडी कबूतरों की तरफ, और ये उस्ताद अकील शाह साहब ने बताया कि ये तमाम तर कबूतर उनके रिजल्टेड कबूतर हैं और उनके पास सब कबूतर उड़े हुए हैं। अच्छा इदरीस भाई से एक सवाल पूछ लूँ मैं, क्योंकि वो मुझे बड़ा मसला होना है बाद में जब कॉलें बजनी है आ जाए ज़रा वो। वैसे तो ये तमाम तर बच्चे जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है ये अकील शाह साहब की छत पर ही जा रहे हैं, और अकील शाह साहब की छत के अलावा उनसे पूछ लेते हैं, आप कबूतर सेल करते हैं जी? नहीं नहीं करते। लें जी अब सुन लें, नहीं करते, खुदा दा वास्ते ही फ़ोन ना करना आपकी फरमाइश पे मादा एंड कमगरों का कलर बूढ़े हो गए। छापदार जालदार कबूतर हो जाते हैं, कमगर कबूतर, इनके पार इसी तरह ब्राउन शेडेड इसी तरह रहेंगे, लेकिन कमर पे छिट्टे ज्यादा करते जाएंगे, छापे ज्यादा करते जाएंगे, तेज होती जाएगी, तेज होती जाएगी। बिल्कुल ठीक हो गया आगे। वो कमगर कबूतर और वजन में ज्यादा माना नहीं जाता, कबूतर नहीं है फिर।
ठीक हो गया, यानी कि कमगर कबूतरों का वजन ज्यादा नहीं होता, वजूद भी दरमियाना होगा। बिल्कुल, वजूद भी दरमियाना, थोड़े से परेल कबूतर हल्के वजन के, आप उनको पकड़ोगे कबूतरों को तो आपको ये लगेगा जैसे रूई पकड़ी हुई है, सिमटते जाएंगे वो। बिल्कुल सही, गोश्त आपके हाथ में उनको महसूस होना ही नहीं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये माँ बेटी दोनों, अच्छा ये माँ बेटी, मजा आया, खोले जरा पर। ठीक है, नेक्स्ट। बहुत जबरदस्त, तुम करें जरा सीधी, हमने आपको भी सिखाई दिया। बिल्कुल ठीक, पंजे दिखाएं। नज्जे वाले हैं जी ये, उस्मान जलाल बाट साहब कह रहे हैं जी ये नज्जे वाले कबूतर हैं। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लाहौर में नज्जे वाले कबूतरों के नाम से मशहूर हुए थे, अशरफी भट्ट साहब के कबूतरों के नाम से मशहूर हुए थे, लेकिन बेसिकली तो ये कमगर कबूतर है। बेसिकली कमगर कबूतर है। अब ये मेरे पास उड़े हैं तो अदरी साहबान साहब के नाम से मशहूर है। बिल्कुल ठीक है, उनके वाले ये कबूतर, क्योंकि उन्होंने मेंटेन की है, बिल्कुल उन्होंने मेंटेन रखा हुआ है इनको, क्योंकि 50 साल पुरानी ब्रीड है, अभी तक उसी हालत में ओरिजिनल मौजूद। अहमद कामरान भाई, आपने नीले कमगरों का शौक नहीं करवाया, और यार अभी एक बात की थी अहमद हबीब साहब नीले कमगरों के बारे में, नीले कमगर इनके पास नहीं है जी। इन्हीं कबूतरों को अगर बगैर छाप के कमगर कबूतरों को ब्राउन पल्लों में कर लें तो वो ये सफदर साहब के पास जो इनके उस्ताद थे उनके वाले कबूतर हैं, वो इनको ब्राउन पल्लों वाले कबूतर कहते हैं। सही, लेकिन हैं बेसिकली ये कमगर कबूतर ही सारे, ब्लड यानी कि सेम है, बेस एक ही है, एक है, आगे से कलर जो मर्जी बना लें, जैसे मर्जी मेंटेन कर लें अपने, जिसका नीले नीले अब लाल अंक वाले लोग कमगर कहते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन जवाब भी आपको आ गया होगा कि नीले लाल अंक वाले हैं तो लोग कमगर कहते हैं। क्या देख लें, हाँ बस मैं भी थक गया। ले जी और कबूतर, आपको दो कबूतर आखिरी दिखा रहे हैं, इसके बाद पास और इसके बाद पास, हर कबूतर एक से एक है। मैंने तो इसलिए कहा नहीं, मैं कि इदरीस भाई कहेंगे लोग, खुद ही कह रहे थे आने को और अब कह रहे हैं बस, जब तक उनकी नहीं हुई मैं इसलिए बोला ही। तो देखें जी, देखें कबूतर, अब रज के देखें इसको, क्योंकि ये सेकंड लास्ट कबूतर है। ये किन में से, ये बोलते जाइएगा जरा। चीने, ये बेसिकली मियां नज़ीर साहब वाले कबूतर हैं। ठीक है, लेकिन आए हमारे पास बाऊ ताहिर शरीफ साहब से। अच्छा अच्छा, पाक हीरो वालों से। बिल्कुल ठीक है, एक ही पार्टी है आपकी ऑफिस की। हां जी, उनके नायात है। अच्छा ठीक हो गया, बड़े मशहूर कबूतर हैं मियां साहब के चीने, बहुत अच्छा रिजल्ट इनका लाहौर में, जबरदस्त। आखिर में भी रेड लेबल, ये नशे वाला कबूतर है, रेड लेबल देखें और पानी दिया। ले जी, रेड लेबल कबूतर ही आखिरी आपको दिखा रहे हैं। मैं आपको एक बात कहता जाऊं कि जी, इस वक्त जो कबूतर हम देख रहे हैं, इस वक्त लाहौर के बहुत अच्छे कबूतरों में से, इन कबूतरों को आप कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छे कबूतरों में से, सेल नहीं करते तो गिफ्ट देते हो गए फिर। उस्मान जलाल भट्ट साहब कह रहे हैं जी, सेल नहीं करते तो फिर गिफ्ट तो देते हो। आपके लिए हैं सबके साथ, आपके लिए हाजिर जब आप चाहें। उस्मान भट्ट साहब जो है ना, कभी कभी बट साहब नहीं लगते, जो जुगता लाते हैं ना तो हैवी ला देते। ये जी माशाल्लाह, एक रेड लेबल कबूतर आपको दिखाया है, ये भी उस्ताद इदरीस समान साहब का कमगर कबूतर है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कबूतर हमारे पसंद आए होंगे, और इस वक्त हम उस छत पर मौजूद हैं जो कि उस्ताद इदरीस समान साहब की है। थोड़ा सा इधर आगे मैं आप जरा सेटअप आपको दिखा दें कि एक ब्रीडिंग के लिए उन्होंने जो सेटअप किया हुआ है वो किस तरह का है।
ये अभी जो आपको सबसे पहले हमने जहाँ से स्टार्ट लिया, छोटे छोटे दो पिंजरे आपको दिखाए थे, लेकिन वो छोटे भी नहीं है, ये तकरीबन 5x5 के तो हैं, ये 6x6 के ये जी दो पोर्शन हैं, जिसमें उन्होंने पट्टियाँ अलग और पट्टे अलग छोड़े हुए हैं। एक अच्छा सेटअप है, जब कबूतर ना जिस छत से उड़ाने हैं तो वहाँ पे इस तरह का एक छोटा सा सेटअप आप कर सकते हैं। मज़ीद ब्रीडिंग के लिए उन्होंने पूरा रूम जो है वो रखा हुआ है, उस रूम में डिफरेंट जो है उन्होंने कैबिन्स बनाए हुए हैं हर कबूतर के लिए, और वो भी आपको दिखाते चलें, हल्की सी झलक दिखा देते हैं आप। ये उनका ब्रीडिंग सेटअप है, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, मुख्तलिफ खाने, मुख्तलिफ काबुकें, और काबुकों के साइजेस भी आपके सामने हैं कि कितना साइज होना चाहिए, मुझे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। और कबूतरों को यहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन, इधर से जाली, ऊपर जाली, दरवाजे पर जाली, ताकि यहाँ पे जो स्मेल भी ज़्यादा ना हो और कबूतरों को परेशानी भी ज़्यादा ना हो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी तरफ से की गई काविश पसंद आई होगी, हमने बहुत कोशिश की कि इतवार पे एक अच्छा शौक आपको करवाएं, और जैसे माफ कीजिएगा, जैसे जैसे मैंने कबूतर पकड़े हैं और जैसे जैसे दिखाए हैं, मुझे अंदाज़ा हुआ है कि इस वक्त हमने अच्छे कबूतर आपको दिखाए हैं, और आपको इन कबूतरों को देख के ज़रूर मज़ा आया होगा जितना मज़ा मुझे इन कबूतरों को देख के आया, ऑब्वियसली क्योंकि मेरे तो हाथ में भी आए हैं। तो अभी हम चलते हैं आखिरी बार उस्ताद इदरीस समान साहब और उस्ताद अकील शाह साहब की तरफ, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें कीमती वक्त दिया अपना। यार इदरीस समान साहब से जैसे कि लास्ट एक क्वेश्चन जो है, इधर से आ जाए बड़ा साहब, क्योंकि उधर लाइट तो बच्चों में आंसर नहीं आता। नहीं अच्छा, तो ये सिर्फ ये कि इतनी मेहनत के बाद आपने जो ये कबूतर बनाए, उसके बाद रिजल्ट भी लिए, सब कुछ हुआ, तो नज़दीक आ जाए, थोड़ा नज़दीक आ जाना, आप इधर आए, सिर्फ फोकस करें। तो एक छोटा सा ब्रीडिंग के हिसाब से पैगाम क्या देना चाहेंगे दोस्तों को? दोस्तों के लिए पैगाम ये है कि अच्छा कबूतर लाएं, उसकी अच्छे से ब्रीडिंग कराएं। ये नहीं है कि आपने एक दफ़ा पेड़ लगाया है और उसके आपकी मंशा के मुताबिक उसके बच्चे निकले हैं, किसी टाइम नहीं भी निकलते, उस पर ज़्यादा उसकी थ्योरी देखें, उसमें क्या खराबियाँ हैं क्या नहीं है, आस्ता आस्ता ये हो जाता है। बड़ी मेहनत की हुई है, मुझे तकरीबन 22-25 साल हो गए इस मेहनत को करते हुए, अब जाके थोड़ा सा हमें जो है ना शौक आया है कि इस तरह इसको करेंगे तो बेहतर होगा। उड़ा तो हर बंदा लेता है, मेन काम होता है ब्रीडिंग का कि आगे क्या चलेगा, हमारा ये फोकस होता है कि हमने आगे क्या चलाना है। ये इन्होंने एक बात की, अभी मैं आपकी तरफ आ, तो यही हमने चलाना है ब्रीडिंग का। हमें सब लोग कहते हैं जी उड़ा अच्छे उड़ने चाहिए, लेकिन हम कहते हैं जी ब्रीडिंग के लिए जो रखना है वो माँ बाप से बेहतर हो, उसको आप रखें, उसको आप आगे फिर लगाएं, फिर वो आगे काम करें, फिर आप समझें कामयाब। बिल्कुल ठीक हो गया। तो अभी हम आते हैं जनाब उस्ताद अकील शाह साहब की तरफ, एक पॉइंट आ गया अचानक से, अभी बाकी बातें तो हम छोड़ देते हैं। इन्होंने कहा उड़ा तो हर बंदा लेता है, ब्रीडिंग बहुत वो अच्छा, दो अभी सवाल ख़त्म नहीं हुआ, बोलना बात में है। अच्छा एक चीज़ मैंने नोट की है, आजकल इलाकों में हर जगह कहीं भी जाते हैं तो वहाँ कहते हैं जी बड़ा उस्ताद बनया, फिर तक कभी कबूतर तो उड़ाए नहीं, लेकिन आप देखते हैं कि उसकी एक मेहनत पीछे कहीं ना कहीं किसी छत पर नज़र आ जाती है उसकी ब्रीडिंग, कि आप क्या मानते हैं? जैसे मैं कहता हूँ कि जी एक स्कूल में हर सब्जेक्ट का अलग अलग उस्ताद होता है, तो वो उस्ताद होता है। देखें अगर आपने कोई भी इलम हासिल करना बिल्कुल और उसको भूल जाना है, तो फिर उस इलम को हासिल करने का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल ठीक, आपने एक सीजन उड़ा लिया अच्छा, मजेदारी तब यह है कि आपकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट हो। बिल्कुल ठीक, एक सीजन के बाद आप मोस्टली कबूतरबाज देख लें कि एक सीजन उड़ाया आउट क्लास, 10 साल पता ही कोई नहीं, उसके पीछे दो चीजें, या तो उसका तुक्का लग गया या उसके पास पीछे ब्रीडिंग का सेटअप नहीं है। सही, एक साल अच्छे कबूतर उसके हाथ आ गए, उसने उड़ा दिए, उड़ गए, अगले साल वो कबूतर उसके पास थे ही नहीं, उसने कहीं से इकट्ठे किए दोस्तों से या बाजार से, वो कबूतर अच्छा रिजल्ट दे गए। आपने अगर मुसलसल कोई चीज़ हासिल करनी है, रिजल्ट देना है, तो आपके पास ब्रीडिंग का सेटअप अच्छा होना चाहिए, आपको पीछे से एड पूरी आ रही हो, प्रैक्टिस भी आपकी देखें, आप एक दफा ये जरूरी नहीं है कि आप एक दफा उड़ाएं और आपसे नहीं उड़े तो आप कहें लो जी मैंने उड़ाने नहीं आते, गजर पे करते रहें, जैसे कि अगर तू मी खाए खुश नवीस मी नवीस मी नवीस मी नवीस, इनके अगर तू चाहता है तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ज्यादातर कबूतर आप
कबूतरबाजी करते हैं, ये नहीं होता कि आपने 100 रखे हैं तो 100 के 100 का रिजल्ट अच्छा होगा। इन्हीं में से गधे भी निकलते हैं, खच्चर भी निकलती है और आला किस्म का घोड़ा भी निकलता है। आपके पास वो नजर होनी चाहिए कि आपने इस घोड़े को तैयार किस तरह करना। आपको ये भी नजर होनी चाहिए कि इसमें खच्चर कौन सा और घोड़ा कौन सा, खच्चर कौन सा घोड़ा कौन सा। आप उन चीजों को मेंटेन रखेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस आती जाएगी। बिल्कुल सही, नहीं तो अदरवाइज वही है लोगों वाला हाल ज्यादातर, एक साल उड़ा 10 साल पता ही नहीं। पकड़ के आपका दिल कहता ही अच्छा, बाकी चीजें बात। हाँ बिल्कुल सही, आपका दिल कहता नहीं यार ये अच्छा, ये इसमें कुछ है। ठीक है जी, आपकी सोच के मुताबिक जो होता है बिल्कुल, उसके बाद आप उसके मेहनत करते हैं। अच्छा एक सवाल दरमियान में ही रह गया, क्या ब्रीडिंग वाले भी उस्ताद कहलाने के अहल हैं, हकदार हैं? क्यों नहीं, जिसने नहीं उड़ाए लेकिन ब्रीडिंग अच्छी करवाई। देखिए ब्रीडिंग, जो बंदा ब्रीडिंग करवा लेता है उसके लिए दूसरे सिस्टम में आना कोई मुश्किल चीज नहीं है, उड़ाने वाले सिस्टम में आना कोई मुश्किल नहीं है। उसके पास अच्छी नस्ल के कबूतर हैं, अच्छी नस्ल के परिंदे हैं, वो कबूतर फिर खुद उड़ उड़ के मालिक को मजबूर कर देता है कि मेरे पीछे मेहनत करो, शौक पैदा करता है। अगर आपके पास कबूतर ही 9 बजे वाले 10 बजे वाले आपने सुबह उड़ा दिए, ना आपको उनके दाने का पता है, ना उनके पानी का पता है, उनको क्या देना है, उधर के उधर ही स्टैंड रहेंगे वो कबूतर। आप में शौक होगा, जज्बा होगा, आप अपने उन कबूतरों को लेके तो एंड तक जाएंगे। जैसे आपकी अपनी पार्टी जिस नाम से है, जी बिल्कुल, हमारी पार्टी को मशहूर करने वाले क्या था, ब्रीडिंग के बेताज बादशाह। उन्होंने ऐसी ऐसी नस्लें तैयार की कि कई नाड़ियों ने पूरे पाकिस्तान में पूरे वर्ल्ड में नाम कमाया उनसे। उनके खुद उनके पल्ले उड़ाने वाली कोई चीज नहीं थी, उन कबूतरों ने उनको उस्ताद बना दिया। बिल्कुल सही, मशहूर हुए, लोग उनके पीछे आए, सिस्टम का उन्हें पता चला, आस्ता आस्ता अपनी औलाद पालने के लिए यानी अपने शागिर्द पालने के लिए उन्हें प्रॉपर तरीके से उड़ाने का सिस्टम समझना पड़ा। लेकिन बेसिक वजह यह थी कि कबूतरों ने उनको सिखा दिया। मियां नज़ीर साहब ने बेहतरीन ब्रीडें तैयार की और लोगों को उस्ताद कहलाने पर मजबूर कर दिया। सही, ब्रीडिंग नहीं है, आप 1 साल 2 साल उसके बाद खत्म। बिल्कुल सही, आप किन को दाना पानी करोगे, किन कबूतरों में मेहनत करोगे अगर वो हैं ही गधे तो। हाँ बिल्कुल ठीक है, अच्छी नस्ल का जानवर तैयार करने के लिए आपके पास माइंड होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए। वो सिस्टम आता है जब आप अच्छे उस्तादों के पास बैठेंगे उनसे मालूमात लेंगे सीखेंगे। ये नहीं होता कि एक सीजन आपके कोई आपका करीबी उस्ताद है फ्लॉप हो गया तो आप उसको रिजेक्ट कर दें, हो सकता है उसके पीछे आपका ही कोई अमल दखल ज्यादा हो, आपने तैयारी उस तरह की ना की हो। अब ज्यादातर कबूतरबाजी वाले दिन ये कह देते हैं अच्छे ना उड़े तो जी हम साया दाना फेंक गया था, बच्चे ऊपर चढ़े उन्होंने दाना डाल दिया। वो ये नहीं देखते कि यार हमारी क्या गलती थी, अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरों पर बटन डाल देते हैं वो लोग। बिल्कुल ऐसी कि जनाब वो फलाने ने ये कर दिया या मेरे उस्ताद साहब से उड़े नहीं या फलाना उस्ताद आया था उसने गोली दी कबूतर गिर पड़े, ऐसी वो ये नहीं देखता कि मेरी प्रैक्टिस ही नहीं थी कबूतर की। हाँ पहले मैंने सारा कुछ है, कबूतर में कोई मसला हो सकता। बिल्कुल सही जी, बहुत शुक्रिया जनाब उस्ताद अकील शाह साहब और जनाब उस्ताद इदरीस अवान साहब इस वक्त हमारे साथ थे। और आज संडे को एक बहुत ही अच्छा लाजवाब शौक और साथ साथ बड़ी लाजवाब बातें, इन्फॉर्मेटिव बातें जो हमें उस्ताद अकील शाह साहब और उस्ताद इदरीस अवान साहब से मिली और उनके साथ साथ उनके कमगर कबूतर और टेडी कबूतर आपको दिखाए हैं। इसी तरह हर संडे आपको शौक करवाते रहेंगे और अच्छी अच्छी बातें भी आपसे शेयर करते रहेंगे। तब तक अपने दोस्त अपने होस्ट कामरान अब्बास को इस शौक और इस शौक के साथ दीजिएगा इजाज़त, फिर होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।